धारा 370 उच्छेद जम्मू और काश्मीर विभाजन को चैलेंज करी आगत पिटीशन रो सुनानी सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक खंडपीठ करिवो। पांच जणिया संवैधानिक खंडपीठ पिटीशन गुड़िक सुनानी करिवे बोली प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई खंडपीठ कहते। अक्टूबर प्रथम सप्ताह आरंभ हो सुनानी जम्मू और काश्मीर संपर्कित आवेदन गुड़िक सुनानी बेले सतर्कता अवलंबन करने को केन्द्र सरकार कोर्ट को परामर्श देते। जम्मू काश्मीर धारा 370 प्रत्याहार को चैलेंज कर दायर होता आवेदन गुड़िकर शुणी सुप्रीमकोर्ट सांविधानिक खंडपीठ से हो। अक्टोबर प्रथम सप्ताह ए संपर्कित आवेदन शुणी पांच जणिया सांविधानिक खंडपीठ करे। प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्षतार गठित तीन जणिया खंडपीठ यह आदेश देते। ए प्रसंगे केंद्र सरकार और जम्मू काश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी करिछन्दि सुप्रीम कोर्ट। सात दिन मध्य विस्तृत जवाब दाखल पाई केंद्र सरकार को समय सीमा देइछन्दि सुप्रीम कोर्ट। जो 370 वाला मामला था वो मेरा मामला नहीं है, मैं तो चाहता हूँ 370 हट जाए, लेकिन मैं मेरा जो मामला था रिस्ट्रिक्शंस में था वो सात दिन के अंदर उस पर सुनवाई होगी और इसके लिए नोटिस इशू है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये एक बहुत अच्छा शगुन है और अब आईनी बेंच के सामने तमाम जितने हम वकला हैं हम अपने दलाइल रखेंगे और हमारे पास बहुत सारी दलीलें हैं इस आइन के इस शिक को खत्म करने के खिलाफ कि गलत तरीका अपनाया गया, उस गलत तरीके को हम चल। एथिस सुप्रीम कोर्ट सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को काश्मीर जिबाको अनुमति देछन्दे। दलीय साथी यूसुफ तारिगामी को भेटिबा पई आवेदन करथिले येचुरी, किंतु सुप्रीम कोर्ट शर्त रखिछन्दे जे गस्त केवल साक्षात आलोचना मध्यरे सीमित रहिबो। जो सवाल यही है कि अगर वहां पर नॉर्मल सी है तो रोक क्यों रहे थे, हमें दो बार पहले गए थे। लेकिन हम जा रहे अब कोर्ट की इजाजत से कि कॉमरेड यूसुफ तारिगामी से मिले और उन्होंने कहा यूसुफ तारिगामी और बाकी कॉमरेडों से, तो हम यही देखेंगे वहाँ पर प्रशासन कहाँ तक हमें अलाउ करेगा कि उनसे मिले। और वो कहाँ पे है पता नहीं, अगर वो अपने घर पे है अनंतनाग में तो मतलब टाइम लगेगा, तो लेकिन जा रहे हैं कल सुबह। धारा 370 संपर्कित सब आवेदन शुणी कर अर्डर पास कला बेले संयम अवलंबन करने को सरकार पक्ष कोर्ट को निवेदन कर। अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा केन्द्र सरकार पक्ष प्रतिनिधित्व करते। धारा 370 आंतर्जातिक सीमा और सीमापार प्रसंग सह जड़ित रही। काश्मीर बाबदे जहां सब बृत्ति आसव जातिसंघर आलोचना होगा संभावना रही सुप्रीमकोर्ट को सतर्क कराई अटर्नी जनरल। ताहले कौन सुप्रीमकोर्ट निज कर्तव्य पालन करे ना कि जड़े आवेदनकारी वकिल अश्विन कुमार प्रश्न करते। आमे आम कर्तव्य जानु बोली उत्तर रे कहिथिले प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई। धारा 370 संपर्कित सब आवेदन उपरे अक्टोबर प्रथम सप्ताह शुणी आरंभ होने सीजेआई संकेत देछन्दे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।